हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे ताजे नारियल से एकदम बाजार जैसा नारियल की मिठाई या बर्फी। तो इसके लिए यहाँ मैंने ताजे नारियल ली हूँ। नारियल को यहाँ मैंने छिलके से अच्छे से निकाल लिया है और यहाँ मैंने नारियल का छिलका या ब्राउन वाला कवर को भी चाकू से अच्छे से छील लिया है। आप चाहे तो पीलर से भी इसे छील सकते हैं। और अब हम नारियल को अच्छे से धो लेंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया और एकदम वाइट दिख रहा है। और अब हम चाकू से इसके इस तरीके से छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। आप चाहे तो ग्रेटर या कद्दूकस से भी नारियल को ग्रेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, मैंने नारियल को एकदम बारीक और छोटे पीस में कट कर लिया है। और अब हम नारियल का पाउडर बनाने के लिए एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें छोटे छोटे पीस किए हुए नारियल डालेंगे और फ्लेवर के लिए दो छोटी हरी इलायची डालेंगे। और अब हम जार का ढक्कन लगा करके इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसे कटोरी में निकाल लेंगे। देख सकते हैं, यहाँ मैंने नारियल को एकदम बारीक अच्छे से पीस लिया है। और अब हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। इस मिठाई या रेसिपी को बनाने के लिए आप मोटे तले वाले पैन या कढ़ाई का यूज़ करें। और अब हम पैन में 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे और 2 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डाल करके हम इस स्पैचुला से चीनी को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, चीनी में झाग आना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि चीनी का पानी अच्छे तरीके से सूख गया है और चीनी हमारा बहुत अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो गया है। और इस टाइम पे हम इसे स्पैचुला से ही चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं, स्पैचुला से ये ड्रॉप में जब गिर रहा है तो एक तार बन रहा है। हमें चीनी का एक तार का ही चाशनी बनाना था। और आप देख सकते हैं, स्पैचुला से ये ड्रॉप गिरते समय एक तार बन के गिर रहा है। इसका मतलब है कि चीनी हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। और अब हम इस टाइम पे इसमें ग्राइंड किए हुए या पीसे हुए नारियल डालेंगे। नारियल डालकर हम इसे अच्छे से पैन में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इस टाइम पे 2 से 3 सेकंड के लिए हाई फ्लेम भी कर सकते हैं। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही नारियल के साथ स्पैचुला से इस तरीके से दबाते हुए हम चीनी के साथ मिक्स करते हुए पकाएंगे, जिससे नारियल और चीनी अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और नारियल हमारे जल्द ही बहुत ही इजीली कुक हो जाएंगे। और यहाँ मैंने 2 चम्मच दूध में 2 से 3 ड्रॉप केसरी फूड कलर का यूज़ की हूँ। और केसरी फूड कलर डालकर यहाँ मैंने दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब हम इसे नारियल में डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, केसरी फूड कलर डालने से नारियल का कलर बहुत ही बढ़िया आया है। कलर डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसरी फूड कलर या फूड कलर ना हो तो आप एक चुटकी हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे से पैन में चलाते हुए पका लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने नारियल को इस तरीके से स्पैचुला से चलाते हुए 2 मिनट के लिए और पका लिया है। और आप देख सकते हैं, इसका सारा मॉइस्चर सूख गई है। और अब हम पैन में ही इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और आप देख सकते हैं, हमारा नारियल का बर्फी बनाने के लिए बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। और पैन में हम इसे ठंडा होने देंगे और तब तक हम एक प्लेट लेंगे और इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। घी की जगह आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और घी या बटर लगाने से आपका बर्फी या मिठाई बहुत ही ईजीली प्लेट से निकल आएगा। और अब हम नारियल का बैटर डालेंगे। यहाँ बैटर गर्म है तो आप इसे हाथ ना लगाएं और इसे स्पैचुला से ही अच्छे से इस तरीके से हम प्लेट पे फैला लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी इसे फैला सकते हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ मैं इसे गरम गरम में ही स्पैचुला से अच्छे तरीके से सेफ देते हुए इसे अच्छे से प्लेट पे फैला लेंगे।
और इस तरीके से अगर आप नारियल बर्फ़ी बनाएंगे तो आपके मेहमान हो या आपके फैमिली मेंबर बिल्कुल भी यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इस तरीके से बिल्कुल बाजार जैसा नारियल की बर्फ़ी या नारियल की मिठाई घर पे बनाया है। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट में ये मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्पैचुला से नारियल को बिल्कुल परफेक्ट शेप दे दिया है और ये बिल्कुल स्क्वायर शेप का बनके तैयार हो गया है, जिससे हमारा नारियल बर्फ़ी के पीस ज़्यादा निकलेंगे। और अब हम इसे अच्छे से प्रेस करते हुए 1.5 से 1 घंटे के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सेट होने देंगे। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं, जिससे ये जल्दी ठंडा होगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये देखिए, इसे यहाँ मैंने 1 घंटे के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए रख दी थी और आप देख सकते हैं बर्फ़ी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इसे मार्केट वाला लुक देने के लिए इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएंगे। चांदी का वर्क लगाना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे लगाएं, नहीं तो आप इसे अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट से भी इसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसमें चांदी का वर्क अच्छे से लगा दिया है। और अब हम एक नाइफ या चाकू लेंगे और इसे हल्के हाथों से हम नारियल के बर्फ़ी या पीस में कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे नारियल के मिठाई को कट कर ली हूँ। और अब हम चलिए इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो इस दिवाली आप झटपट से सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बहुत ही स्वादिष्ट और बाजार से भी बहुत ही अच्छा नारियल बर्फ़ी घर पे ही बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नई रेसिपी में। और इस दिवाली आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक और एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।